से चंद्रमोहन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, इस वक्त वहां किस तरह की हलचल मैं देख पा रही हूं तस्वीरों में कि बुजुर्गों को बाकायदा वहां पर लोग उनकी सहायता करके उनको ना सिर्फ वोटिंग सेंटर के अंदर ले जा रहे हैं बल्कि वोटिंग पूरी होने के बाद बाहर भी ला रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एकदम यहीं पे खड़े हैं और हम आपको तस्वीर भी सीधे दिखाने की कोशिश करेंगे। स्काउट एंड गाइड के दोनों बच्चे हैं जो एक बूढ़े बाबा हैं, पहुंचे थे यहाँ पर बूथ पर वोटिंग करने के लिए और इनको अंदर भी ले गए और फिर वोट देकर बाहर भी लाए हैं। बाबा, वोट दे दिए आप? हाँ दे। चलने में तकलीफ हो रही है? हाँ। कितना उम्र हो गया होगा आपका? 100 से कम। बूथ तक कैसे पहुंचे? बूथ तक यही लोग लेकर आए? मगरीचा के गोरिया बाबा लगे उठे। तो ये बूढ़े बाबा हैं, लगभग 100 वर्ष एज हो चुका है, जिनको स्काउट एंड गाइड के बच्चे जो हैं वो बूथ तक पहुंचाए, फिर वोट देकर वापस भी हो रहे हैं और एक ये जो कतार है वो धीरे धीरे और लंबी होती जा रही है। तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकती हैं और कुछ महिलाएँ हैं, कुछ पुरुष भी हैं जो इस कतार में जुड़ने के लिए यहाँ सामने बाउंड्री वॉल से आ रही हैं। तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकती हैं। तो लोगों में उत्साह जरूर सुबह से देखने को मिल रहा है, जब सैकड़ों की संख्या में लोग एक साथ बूथ पर पहुंचे थे और यहाँ पर लंबी कतारें देखने को मिली थी। हालांकि इस स्कूल ग्राउंड में जो है वो 6 बूथ है, 6 बूथ में सिर्फ एक। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये दादी हैं जो पहुंची हैं वोट देने के लिए। दादी, उम्र कितना हो गया? सचिन भाई, 70 साल। काफी उम्र हो गया है। वोट देने के लिए पहुंची हैं? क्या कह रहे हैं? पेरालिसिस, 70 साल का हो गया। हम 7 ऑपरेशन है, हम वोट गिराने आए। वोट गिराने आए? हाँ। क्या सोच कर आए हैं? अपना दिल के बात हम आपको कैसे कह दे? नहीं नहीं, मतलब मन में क्या चल रहा है? मन में क्या चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, जो कोई जीते बाबा हमारा दही चूड़ा से काम है। तो सुना आपने, बाबा 7 ऑपरेशन हो चुका है, अपने पत्नी को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं वोटिंग कराने के लिए।